इस पर्व में देश ने अपना मत दिया और जो मत दिया वो देश के कल्याण के लिए है। बहुत ही अच्छे भारतीय जनता पार्टी को विश्वास मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस उद्देश्य को लेकर के इस बार चुनाव लड़ा था उसमें पूर्ण बहुमत से भी काफी अधिक जो विश्वास जनता ने जताया है वो हम सबके लिए बहुत ही श्रेयस्कर है। देश उत्थान राष्ट्रोत्थान के लिए अनिवार्य है। भोपाल जो कि मेरे लिए प्रतिनिधित्व मैं उसके प्रतिनिधित्व में थी और जो मुझे जिस तरह से भोपाल की जनता ने विश्वास जताया है विश्वास किया है विश्वास दिया है मैं उसके लिए समर्पित हूँ। और देश में जो भी राष्ट्र कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में बनाई जाएंगी हम सब मिलकर के उनको पूरा करेंगे। भोपाल सीहोर लोकसभा क्षेत्र के लिए मैं प्रतिनिधित्व करूंगी तो यहाँ के लिए जो भी कल्याणकारी योजना है वो मैं पूर्ण करूंगी। और इस सब पूरे चुनाव के दौरान जिसने भी मीडिया को विशेष तौर पे मैं कह रही हूँ क्योंकि पूरे दिन रात आप लोग लगे रहते थे अपने लक्ष्य को पाने के लिए और आप सबको बहुत 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 अभिनंदन बहुत बहुत आभार। आगे जनता के बीच में मैं हूँ। आगे जो भी जैसा भी योजना बनती है वो मैं बात करके पूरी योजना तय करके जैसा भी तय होगा मैं आप सबके बीच में फिर से आऊंगी और हमेशा रहना ही है। परंतु अभी जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उन प्रक्रियाओं के लिए समय बहुत कम है। हमें आगे यात्रा भी करनी है इसलिए हम आपसे फिर से कहेंगे कि भारत माता की जय वंदे मातरम।